लखनऊ में ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। विकास नगर पुलिस ने चोरी हुए माल का 90% बरामद किया। दो शातिर चोर संतोष गौतम, कौशल गौतम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों पर शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। बाराबंकी के रहने वाले हैं शातिर चोर। 4 फरवरी की रात चोरों ने टेढ़ी पुलिया के पास ज्वेलरी शॉप का शटर काट कर की थी लाखों की चोरी। पुलिस ने लाखों की ज्वेलरी के साथ चोरी में इस्तेमाल किए गए शटर को किया बरामद। डीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। थाना विकास नगर पुलिस को 5 तारीख के सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना आया है कि एक ज्वेलर्स रिद्धि ज्वेलर्स जो टेढ़ी पुलिया के पास स्थित है वहीं पे चोरी का प्रयास हो रहा है। सूचना मिलने पर 4 मिनट के अंदर पुलिस वहीं पे मौके पर पहुंचा है और अन्य कार्रवाई किया है और मुकदमा नंबर 11/24 पंजीकृत किया गया था। तो उसी पर तलाशी करते हुए हमारा क्राइम टीम और थाना विकास नगर का टीम लग के पीछे करते हुए सीसीटीवी, मोबाइल टावर लोकेशन एवं मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग के वजह से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम संतोष गौतम जो मूलतम ग्राम मौसंट जिला बाराबंकी का रहने वाला है और उनका सहयोगी कौशल गौतम जो गांव बाबूरी बाराबंकी जिला का मूलतम रहने वाला है। पूछताछ करने पर ये दो और मुकदमों के बारे में, दो और चोरियों के बारे में कबूल भी किया है जो 120/23 शेरपुर और 132/23 शेरपुर का है, जहाँ पर ये लोग दुकान का शटर तोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरी किया था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।